शास्त्र कहते हैं कि सुख का जो अर्थ होता है, यो वै भूमा तत् सुखम भूमैव सुखम। शास्त्र कहते हैं कि सुख का मतलब होता है कि एक बार भी अगर जीव को सुख मिल जाए तो वो सदा के लिए सुखी हो जाता है, सदा के लिए। और फिर दोबारा उस जीव के ऊपर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और वो सुख प्रतिक्षण वर्धमानम, हमेशा बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता। यानी जिसमें ये गुण होते हैं उसी को सुख कहते हैं। एक कि वो सदा बढ़ता जाए, कभी कम नहीं होता। दूसरा, एक बार सुख मिलने पर दोबारा उसके ऊपर दुख का अधिकार कभी नहीं होता, कभी नहीं। अब बताइए, क्या ऐसा सुख, जितने हम लोग यहां बैठे हैं जीव, क्या ऐसा सुख हम लोगों को मिला है? क्या हम सदा के लिए सुखी हो गए? क्या हम जीवों के जीवन में कभी दुख नहीं आता? नहीं। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है कि हम लोगों के जीवन में कभी एक दिन सुख, एक दिन दुख। आज कोई अच्छी खबर आ गई तो सुखी हो गए, फिर फोन से कोई दूसरी गलत दुखी वाली खबर आ गई, बुरी खबर आ गई तो दुखी हो गए। तो हमारे जीवन में सुख दुख, सुख दुख चल रहा है। तो इसका मतलब हमें अभी तक सुख नहीं मिला, क्योंकि जब सुख मिलता है तो फिर दुख का अधिकार उस जीव के जीवन में कभी नहीं होता, सदा वो सुख बढ़ता है। इसलिए हमको आज तक अनलिमिटेड हैप्पीनेस, हम जो चाहते हैं कि अनंत मात्रा का सुख हमें मिले, वो कैसे मिलेगा? वो केवल और केवल जो सुख के दाता हैं, जो आनंद के दाता हैं, वो राधा कृष्ण, उन्हीं भगवान को जब तक जीव प्राप्त नहीं करेगा, उनको जानेगा नहीं, उन्हें समझेगा नहीं, तब तक इस जीवात्मा को कितना भी प्रयत्न कर ले वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए बस एक ही उपाय है कि हमें भगवान को जानना है, उन्हें समझना है, उनसे प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है, तभी जाकर के हमारे जीवन में सुख आ सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं।